आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवमी में कन्या पूरी खिला रहे हैं हम, और ये छोटी सी वैष्णवी आई हुई है हमारे घर में। लो पैसे ला। लांगुर मारे की शरबत है, छोटा हो जाएगा, ये बांधना पड़ता था, अब ऐसे डाल दे। अच्छा 130 है। पैसे कितने पैसे है मेरे पास? दे देना इसके पैसे कितने हुए हैं इसके? 130 का। प्लस सूखा नोट नहीं चाहिए इसको? नहीं, इसको तो पानी डाल दे नोट में। तो कौन सूप बोल में तो आज था वो का है। आज तो नोट ही गिटनी पूरे दिन तुम। मम्मी को दे गए पैसे, पापा को? किसी को भी नहीं। क्यों? मेरे तो मेरे ही हैं। क्या करेगा इनका? इनसे चीज लूंगा। इतनी कमाई का क्या करेगा? इससे चीज लूंगा, बोला ना। क्या चीज है तो बताओ। जब लेते जाऊंगा तभी तो पता चलेगा ना। खुल गया मतलब। थोड़ी देर बच्चों को लेकर के इधर आई तो यहाँ पे तो सारे झूले टूटे हुए हैं। अंदर जाके कीर्तन मंदिर के लोग मिल गए मुझे, उनके साथ ही बैठ गई मैंने, तो बहुत देर कीर्तन करे। फिर मंदिर में हम पहले भी तो गए हैं ना, काफी बुजुर्ग थे। Oh,
बहुत
बच्चे भी काफ़ी देर इधर टहलते रहे, उन्हें भी अच्छा लगा वहाँ पे। जो दिमाग में इंसान के होता है, इंसान को वही चीज़ बार बार दिखती है। मैं आई तो सिर्फ बच्चों को झूला झुलाने थी, लेकिन दिमाग में था कि यहाँ पे कीर्तन हो रहे होते और हो ही रहे थे, तो काफ़ी देर मैं यहाँ पे बैठी रही और बच्चे मंदिरों में घूमते रहे इधर को, और फिर इधर से निकले हम आगे। बोल रहे अंकल जी, नहीं बोलना ना। हरिओम, आप भी बोलो गुड। हरिओम हरिओम, जो देंगे बोल रहे ना आंटी, नो आंटी कर दो बस, ठीक है, नो आंटी नो अंकल। हरिओम बस, हरिओम।
और ये बच्चे ऐसे चिपट गए मेरे पे। फिर जितने भी थे मेरे पास, मैं खुले पैसे काफ़ी लेके गई थी, वैसे मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं बच्चे वगैरह, तो फिर मेरे पास बचे ही नहीं, मेरा पर्स ही खाली कर दिया। पीछे पीछे दे रही, फिर भी दोबारा दोबारा आ रहे। फिर आंटियाँ काफ़ी देर मेरे से बातें करती रही, कहाँ रहते हो, क्या रहते हो। फिर मैंने भी उनसे थोड़ी बहुत बातें करी। फिर शाम का टाइम भी था, तो टाइम से घर भी आना था। और मुझे हरि ओम जी भी बहुत अच्छे लगे अंकल जी। उन्होंने कहा अंकल जी नहीं बोलना, हरि ओम जी बोलना, और अच्छी बात भी है वैसे देखा जाए तो। प्रभु का नाम कितनी बार मुंह पे आएगा, अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के भी। फिर निकले हम घर को और 5-10 मिनट जेठानी के पास भी रही। फिर टाइम से घर भी आना था क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा था। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों को कैसी लगती हैं वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग के साथ। बाय।